हेलो दोस्तों, सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अब हम बात करेंगे 24 मई के लिए, मतलब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे लेवल है, कौन सा ट्रेड फॉलो करना है। उससे पहले आज क्या हुआ, जैसे हमने कल बताया था, कल के रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि लास्ट के आधे घंटे में ये जो शार्क मार्केट में लगभग, अगर आप बात करेंगे, 400 से लगभग मार्केट 900, मतलब 500, 550 पॉइंट का मार्केट में जो शार्प रिकवरी हुआ, और रिकवरी के बाद और ऊपर भी गया मार्केट। और ये जो मार्केट का जो मूवमेंट था, ये इंडिकेट कर रहा था, कल की रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये मार्केट में आज जो ये रैली आया हुआ ना, वो एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली आ जाता है, चार्ट पे वो चीज बनती है, दिखती है, उसको रीड करना है जरूर। रातों रात नहीं होगा, आप जितना काम करेंगे मार्केट में, जो भी स्ट्रेटेजी है उसको कंटिन्यूसली आप अप्लाई करते रहेंगे, तो वो चीज आपको जरूर मार्केट में सेंस आना स्टार्ट होगा। देखो, हमेशा ये चीज सेंस लेना होता है, उस पर पूरा ऐसा ही होगा ये नहीं करना होता है। और उसके बाद ये चीज अगर आपके दिमाग में कि क्या हो सकता है, तो फिर उसका आप प्लान करोगे कि ये बाइंग रेंज है, इसके ऊपर मार्केट करोगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, तो ट्रेंड अप रहेगा, कंटिन्यू करेगा, रेंज में आ जाएगा तो बाय करना है। अदरवाइज पहले 15 मिनट के बाद ये तीन कैंडल बन गया, उसके बाद मार्केट जैसे ही हाई ब्रेक करेगा, पहले 15 मिनट की हाई के ऊपर मार्केट निकलना चालू होगा, आप करंटली तुरंत बाय करो, मार्केट वन साइड रैली दिखाते चलेगा आपको, ये प्रोसेस है। और जब भी वापस मार्केट ये इंडिकेटर के नजदीक आ रहा है, तो आप री एंट्री जरूर कर सकते हो, ये पूरा प्रोसेस कर सकते हो। आज अगर आप बात करेंगे तो लगभग, जैसे हमने कल के वीडियो में बताया था, 48,000 के कॉल में काम कर सकते, लेकिन गैप अप हुआ और थोड़ा मार्केट सीधा ऊपर गया, थोड़ा नीचे नहीं आया, पुल बैक नहीं हुआ, तो निफ्टी में तो वही स्ट्राइक प्राइस लिया, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए मैंने 48,100 के स्ट्राइक प्राइस में काम कर दिया, और उसका ये रेंज ये था। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस था, कॉल बाय करना था, और मार्केट वन साइड ऊपर गया है। आज मोटा मोटी जिसने कुछ दिमाग नहीं लगा होगा, वो भी उसने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आज बहुत इजी डे था मार्केट में। अभी बात है कल क्या करना है। आप यहाँ पे 23 को बैठे हो, आज अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा, कितना है क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, तो एक आपका कॉन्फिडेंस और मुझे पता चलेगा कि आप कैसे काम करें, वो प्रोसेस रहेगा। लेकिन अभी के लिए कल क्या करना है, पहले तो आज जो ये वन वे रैली मार्केट में मिला हुआ है, कल इंट्राडे के लिए में भी मार्केट एक बार नीचे आ सकता है, शायद तो सेलिंग रेंज के नीचे भी जाएगा, और मार्केट एक 200 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, मैक्सिमम 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको मूवमेंट, क्योंकि यहां से नीचे आने में उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये प्रोसेस होगा। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, देखो अदरवाइज मार्केट बाइंग रेंज के नियर अबाउट ओपन होगा, पहले 15 मिनट ऊपर नीचे दिखेगा, शायद पहले आधा घंटा ऊपर जाते दिखेगा, उसके बाद एक डिप करेगा, और मार्केट ये जो रेंज है, दोनों रेंज के अंदर अंदर थोड़ा अटकेगा, और उसके बाद जब ये रेंज अटकने के बाद जब मार्केट वापस गेन करेगा उस रेंज को, और उसके बाद फिर रैली आ सकता है, तो ये एक दिमाग में रखना है। और उसके ऊपर अगर नहीं जा रहा है तो फिर मार्केट नीचे आएगा, तो मोटा मोटी ये प्रोसेस है। कल मार्केट को मतलब आज मार्केट में देखो कल क्या होगा, आज जिसने भी प्रॉफिट नहीं कमाया होगा या तो कम क्वांटिटी से कमाया होगा, तो कल वो जोर से काम करेगा, तो कल का दिन एक्चुअली कम काम करने का, थोड़ा लाइट रहने का है, ये प्रोसेस है। परसों कल के बाद जो कंसोलिडेशन होने के बाद जो मार्केट में वो एक दिन आएगा, उस दिन हम वापिस बताएंगे कि आप ज्यादा काम कर सकते हो, तो मोटा मोटी कल थोड़ा साइडवेज मार्केट हो सकता है, ये दिमाग में रखना। लेकिन वही ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है तो वो कैसे पता चलेगा, तो आफ्टर ओपनिंग के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कैसे हाई ब्रेक हो रहा है, और वो अगर कंटिन्यू चला है तो टॉप लॉस ट्रेल करते करते अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाइंग रेंज क्या है, 48,700 से लेके 48,730, ये जो रेंज है, ये रेंज या तो उसके ऊपर मार्केट टिकता है, मार्केट में बाइंग कंटिन्यू रहेगा, फिर यहां से कम मिनिमम आपको 400 450 पॉइंट ऊपर कल मिल सकता है, उससे ज्यादा मत पकड़ना है। आज 1000 पॉइंट गया तो कल भी 1000 पॉइंट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इतना हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट कोई भी रीजन की वजह से, अगर ये सेलिंग रेंज जो अभी बना हुआ है उसके नीचे जाता है, 48,550 से लेके 520, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट के लिए सस्टेन हो जाता है, नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर मैं मंदी का सोचूंगा, मैं पुट बाय करने का सोचूंगा। तब तक तो मार्केट में जो रैली है उसको एंजॉय करना है, कंटिन्यू करना है। 1000 पॉइंट गया, 1200 गया, 800 गया, उस पे दिमाग मत लगाओ,
मार्केट अभी ये जोन में है कि ऊपर कोई रजिस्टर नहीं है। ऑप्शन चेन को रीड करके आपको पता चलेगा कि कैसे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, वो पूरा प्रोसेस है। और उसमें भी आपको कल परसों तक वो पूरा प्रोसेस कहाँ पे ये जो रैली है वो कहाँ पे रुकते दिखेगा वो प्रोसेस चाहे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ये पूरा प्रोसेस है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।